नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए ट्यूटोरियल में। अपने आज के ट्यूटोरियल में अपने स्क्रीन पर बना हुआ जो स्क्रू ड्राइवर आप देख रहे हैं, इसको हम बनाएंगे आज कैटिया V5 पर। चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। पहले मैं इस फाइल को क्लोज कर देता हूँ। दोस्तों मैंने इस फाइल को क्लोज कर दिया, तो इस वक्त हमारे सामने जो स्क्रीन है ये वो स्क्रीन है जब हम कैटिया V5 के आइकन पर डबल क्लिक करते हैं तो सबसे पहली स्क्रीन जो हमारे सामने आती है। यहाँ से हमें नई फाइल ओपन करनी है, तो स्टार्ट पर क्लिक किया, मैकेनिकल डिज़ाइन पार्ट डिज़ाइन पर क्लिक किया, इसके बाद ओके। इस तरह से ये स्क्रीन खुलकर हमारे सामने आती है पार्ट मॉडलिंग के लिए। तो पहले तो हमें स्केच बनाना होगा, तो मैंने यहाँ से स्केच पर क्लिक किया। इस पर क्लिक करने के बाद पहला क्लिक ये जो प्लेन नज़र आ रहा है YZ प्लेन, इस पर किया। इस तरह से ये स्केच व्यू में ये ओरिएंटेशन चेंज हो गया है। अब हम यहाँ से सर्कल कमांड ले रहे हैं, मैंने सर्कल पर क्लिक किया और ये जो सेंटर है 00 इस पर क्लिक किया और कर्सर को बाहर की तरफ लेकर आया। अब मैंने क्लिक कर दिया यहाँ पर बाहर, और यहाँ से ये कंस्ट्रेन है, कंस्ट्रेन पर क्लिक किया तो देखिए ये ऑलरेडी सेलेक्टेड था ऑब्जेक्ट, तो इसका डायमीटर दिखाई देने लगा। मैंने यहाँ क्लिक किया, डायमीटर को प्लेस किया, फिर डबल क्लिक किया डायमेंशन पर। अब इसे चेंज करके मुझे करना है कितना, 25.4 यानी कि 1 इंच। अब यहाँ से मैंने एग्जिट वर्कबेंच पर क्लिक किया और फिर से पार्ट मॉडलिंग में आ गए। अब यहाँ से ये पैड कमांड पर मैंने क्लिक किया और यहाँ से ले लिया मिरर्ड एक्सटेंट और इधर ले लिया मैंने 50.8, यानी कि ये जो लेंथ है इसकी ये हो गई 4 इंच यानी कि 101.6। अब आगे बढ़ते हैं और आगे का स्टेप क्या है इसमें कि पहले यहाँ से स्केच पर क्लिक किया, फिर ये जो फेस नज़र आ रहा है इस पर क्लिक किया, इस तरह से सामने आ गया। अब यहाँ से फिट ऑल इन पर क्लिक किया, ये देखिए थोड़ा सा इसे हम जूम इन कर लेते हैं। इसके बाद एक सर्कल बनाया हमने, ये देखिए इस तरह से। एस्केप दो अगर कमांड से बाहर निकले, कंस्ट्रेन पर गए, इसकी डायमेंशन यहाँ से लेने के बाद चेंज करके कर दी कितनी, 13 mm, और फिर से गए कंस्ट्रेन पर। अब ये वर्टिकल एक्सिस से इस सर्कल के सेंटर के बीच का जो डायमेंशन है इसे हम चेंज करके कर देंगे 17। ओके, तो अब यहाँ से एग्जिट वर्कबेंच किया, यहाँ से अब इसे हम थोड़ा जूम आउट करते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर ये पॉकेट कमांड है, पॉकेट पर क्लिक किया मैंने। अब इस डायरेक्शन में हमें मटेरियल को रिमूव करना है, तो यहाँ से हमने ले लिया अप टू नेक्स्ट और ओके पर क्लिक किया। ये देखिए ये कट एक बनकर आया हमारे सामने। अब इसी कट को जो है हमें सर्कुलर पैटर्न करना है, तो यहाँ से मैंने पहले तो एक्सपेंड किया ये प्रोडक्ट ट्री को। ये पॉकेट वाला जो हिस्सा है इस फीचर को हमें पैटर्न करना है, तो यहाँ से मैंने इसे सेलेक्ट करने के बाद ये सर्कुलर पैटर्न पर क्लिक किया। यहाँ से ये एक्सियल रेफरेंस इसको यूज़ करेंगे, इंस्टेंसेस एंड एंगुलर स्पेसिंग, यहाँ से मैंने ले लिया इंस्टेंसेस एंड टोटल एंगल, ये ले लिया यहाँ पे इंस्टेंसेस 7 और ये ले लिया 360। मुझे एक्चुअली इंस्टेंसेस जो हैं वो 6 चाहिए, तो यहाँ पे मुझे नंबर ऑफ इंस्टेंसेस 7 देने पड़ेंगे। अब मैंने रेफरेंस एलिमेंट की जगह यहाँ पर क्लिक किया, देखिए, और ये फेस जो है ये हमारा रेफरेंस एलिमेंट है, इस पर क्लिक किया मैंने, अब ओके कर दिया। ओके, तो ये इस तरह से देखिए ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। अब आगे का स्टेप हमें क्या फॉलो करना है, पहले तो मैंने यहाँ स्केच पर क्लिक किया और उसके बाद ZX प्लेन ये ले लिया, तो ये घूम कर कुछ इस तरह से हमारे सामने आया। अब इसे थोड़ा सा हम जूम इन कर लेते हैं, थोड़ा और जूम इन करेंगे। अब डबल क्लिक किया मैंने प्रोजेक्ट 3D एलिमेंट पर और इसके बाद कंस्ट्रक्शन, थोड़ा सा और इसे हमें ऊपर वाला रेफरेंस चाहिए, लेकिन वो एज जो है इसमें नहीं हो रही है, तो अब हम क्या करेंगे कि इसको ऑफ़ करेंगे, इसे भी ऑफ़ करेंगे।
अब हम डाइमेंशंस को इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ से प्रोफाइल पर आए, अब मैंने एक लाइन इस तरह से ही बनाई, एस्केप दबाया, कमांड से बाहर निकले और यहाँ से कंस्ट्रेंट पर क्लिक किया, इसे लिया 16 mm। ओके, थोड़ा ड्रैग करके पीछे ले आते हैं इसे, और इसके बाद यहाँ से लेंगे हम रेडियस, ये ले लिया हमने, एक क्लिक यहाँ और एक क्लिक ऐसे। रेडियस की वैल्यू हमने यहाँ कंस्ट्रेंट से दे दी कितनी, 10 mm। इसको डबल क्लिक किया और चेंज कर लेंगे इसे, 10 mm ले लिया। ओके, इसे मैं, ये देखिए यहाँ पर एक छोटी सी ये, इसको जूम इन करना होगा मुझे, ये देखिए ये गड़बड़ हुई है, ये पॉइंट जो है यहाँ पर ये मिल नहीं रहा है। तो सेलेक्ट किया, डिलीट किया इसे, कैंसिल, इसे डिलीट कर दे रहा हूँ मैं। दोबारा से हम बनाएंगे इसे, एक क्लिक यहाँ। अब देखिए मैच कर रहा है। अब यहाँ क्लिक किया, कंस्ट्रेंट, इसको ले लिया हमने कितना, 10। अब देखिए ये कनेक्ट कर रहा है। अब इसको हमें, इसकी पोजीशनिंग जो है वो हमें चेंज करनी है, तो उसके लिए क्या करेंगे, कंस्ट्रेंट पर दोबारा जाएंगे, यहाँ से थोड़ा सा जूम आउट किया, ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ये डिस्टेंस हो जाएगा हमारा 12.7, और एस्केप दबाए, कमांड से बाहर आए, फिर गए कंस्ट्रेंट में, इस पॉइंट से ये पॉइंट, ये हो जाएगा हमारे लिए 15। तो इसका तो सही प्लेसमेंट हो गया। अब एक स्केच हमें और बनाना है यहाँ इस वाले साइड पर, इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए कि एक लाइन ऐसे बनाई, एस्केप दबाया, बाहर निकले, फिर एक लाइन इस तरह से। अब कंस्ट्रेंट में गए, इसको ले लिया 6.5, और दोबारा कंस्ट्रेंट में जा रहे हैं, इसको भी ले लिया 6.5, चेंज कर दिया। अब आर्क बनाते हैं, एक क्लिक इधर, एक क्लिक इधर, और जैसे ये टेंजेंसी का साइन यहाँ पर शो होता है, हम यहाँ क्लिक कर देंगे, ये आर्क क्रिएट हो गई। अच्छा, अब यहाँ से हम क्या करेंगे आगे, कि कंस्ट्रेंट पर जाने के बाद यहाँ से थोड़ा से इसे, इन दोनों के बीच का जो ये डिस्टेंस है ये हो जाएगा 50.8, और इसी तरह से इस लाइन और इस लाइन के बीच में यहाँ पर ये डिस्टेंस हो जाएगा 12.7। ये इस तरह से देखिए प्रोजेक्ट, मतलब स्केच जो है वो यहाँ पर फिक्स हो गया थोड़ा सा इसको, ये यहाँ से। अब इसे हमें करना क्या है कि यहाँ से एग्ज़िट किया, और यहाँ से अब लेंगे हम ये ग्रूव कमांड, यानी रिवॉल्व का रिमूव मटेरियल, और ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस ये वाला, थोड़ा सा इसे जूम इन कर लें, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस ये हम ले लेंगे, और यहाँ से ओके पर क्लिक करेंगे, ये कुछ इस तरह से हमें अब ये ऑब्जेक्ट नज़र आएगा, रिवॉल्व कट, यानी कि इसमें ग्रूव कमांड है यहाँ पे रिवॉल्व कट के लिए। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या है, ये एज फिलेट है, वैल्यू ले ली एक और टैब दबाया, उसके बाद ये पूरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया हमने, यहाँ से या तो हम
एक क्लिक इस फेस पर, इस तरह से जितने भी फेसेस हमें नज़र आ रहे हैं देखिए इसमें जितने फेसेस थे ये सभी फिलेट हो गए। अब इसके आगे स्केच पर क्लिक किया, दोबारा इस फेस पर क्लिक किया, फिट ऑल इन, यहाँ से थोड़ा सा जूम इन किया। अब हमें सर्कल बनाना है इसी पॉइंट पर, ओके, यहाँ से इसका डायमीटर चेंज करके हम कर देंगे 7 mm। एग्जिट, एक्सट्रूड 127, ये 5 inch हमने ले लिया इसे, फिट ऑल इन पर क्लिक करेंगे, कुछ ऐसे नज़र आएगा। अब यहाँ पर जो एक स्क्रू ड्राइव करने के लिए जो एक ये कहिए कि एक तरह से एक एज बनी होती है वो अब हमें बनाना है इसमें, तो स्केच पर क्लिक किया दोबारा, और देखिए खड़ा हुआ प्लेन, यहाँ से अब हम एक प्रोफाइल बनाएंगे, ये ले लिया हमने 10 mm और ये ले लिया 3.25। ये दो लाइनें मैंने एक दूसरे के परपेंडिकुलर बनाई हैं, इसे लिया 10 mm और फिर इसे ले लिया हमने कितना 3.25, ओके। अब यहाँ से एक आर्क लिया, एक क्लिक इधर, एक क्लिक इधर, अब ये ऐसे तीसरा क्लिक। अब कंस्ट्रेंट में जाकर ये वैल्यू हमने ले ली कितनी, इसको डबल क्लिक करके चेंज करेंगे 27, अभी 20 है तो इसे 27 कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पर क्या करना है हमें, दोबारा कंस्ट्रेन अप्लाई करेंगे, यहाँ से इस फेस के बीच की जो ये दूरी है ये 0 है, यहाँ शिफ्ट हो गया। अब इसी तरह से यहाँ से ये जो फेस है ये है 3.5 mm की दूरी पर, ये प्लेस हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमने ये ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, मिरर पर क्लिक किया और यहाँ से ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है इस पर क्लिक किया, ये देखिए ऑब्जेक्ट मिरर हो गया इस साइड, इसके अपोजिट साइड पे। अब एग्जिट वर्कबेंच पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ये है पॉकेट कमांड, और इसको ले लेते हैं हम, डायमेंशन पर ही रहने देते हैं, और यहाँ से कर लेते हैं मिरर एक्सटेंट, इसको कर दिया 127 है तो 127 से रहने दे रहे हैं, ओके किया हमने। तो इस तरह से देखिए ये स्क्रू ड्राइवर बन गया। थोड़ा सा जूम इन करके देखते हैं, इसकी एजेस को रिमूव करते हैं, ये जो है देखिए। तो दोस्तों ये था स्क्रू ड्राइवर इन कैटिया V5। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। और अगर इस वीडियो और इससे रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में डालें। थैंक यू वेरी मच।